शर्मा शो। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पाजी, आपको पता है नए साल के पहले ही एपिसोड में हमारी जो आज की गेस्ट है, ये बॉलीवुड में तो झंडे गाड़ चुकी हैं, हॉलीवुड में भी झंडे गाड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात पाजी, ये जितनी भी फेमस हो जाएं, हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं आया। मतलब मैं आज भी उनसे इतना प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। उनका आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो प्लीज वेलकम वेरी गॉर्जियस वेरी टैलेंटेड प्रियंका चोपड़ा। तालियां प्रियंका चोपड़ा के लिए। कैसे हो सिद्धू सर? तनाटन तनाटन। शांत निहारता होगा उसको, चांदनी पुकारती होगी। अच्छा, परियां पास बैठकर जिसका रूप निखारती होंगी। मैं सोचता हूं कितना खुशनसीब होगा वो आईना जिसमें देखकर प्रियंका खुद को संवारती होगी। वाह! और मुझे तो ये लगता है कि ऐसा जब आप शेर सुनाते हैं, भाभी पक्का आपको मारती होगी। चंदू, एक बात बोलूं? लेकिन जी, इनके आने से पहले सॉरी चंदू। जी जी, मैं गई क्या 6 महीने? तुम्हारे शो का बजट बढ़ गया क्या? मैं कभी भी गाड़ी में नहीं आई हूँ इस शो में। मैं हमेशा चलती वलती आई हूँ। गाड़ी है, शोफर है, प्लेन की शेप में गाड़ी है। आप शोफर नहीं है? शोफर तो नहीं, लोफर लग रहा है मेरे को ये। और तूने पहना क्या हुआ ये? मैं कैप्टन हूँ, मेरे को स्वागत तो करने दो। हाँ प्लीज, वेलकम टू द मुंबई एयरपोर्ट। मैं जहाज का कप्तान चंदूलाल आप सबका स्वागत करता हूँ। सो बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीमीटर। ये तुझे लुंगी से पता लग रहा तेरी? और नीचे तो 10 डिग्री है। और इकोनॉमी क्लास वालों के लिए, उनको क्या है, बाहर जाए ऑटो करे, घर को जाए, उनको क्या है। और आप सबसे अनुरोध है कि पहले क्विंटको वालों को बाहर जाने दें। पहले जब तक तूने नाम नहीं ना सही लिया, आगे नहीं बढ़ने देना। पहले नाम सही ले। किनको आगे जाने दो? क्विंटको। क्विंटको ही? क्वांटिको। पहले क्वांटिको वालों को बाहर जाने दें, और जो इंटरव्यू वाले हैं वो थोड़ा पीछे हटकर खड़े हुए हैं। जहाँ सेलिब्रिटी देखने पीछे पीछे, आपको हमारे शो में आखिर कैसे लगा है? अच्छा, ऊपर वाले का कहर देख लो, मेरी किस्मत देख लो। एक तरफ प्रियंका चोपड़ा, दूसरी तरफ टूटा हुआ थोपड़ा। कैसा कॉम्बिनेशन देखो इसका, मुंह का। ए यार, मुझे एक बात बताओ, आपकी आंखें या तरबूज के बीज? ये टूटा हुआ आपको कहां से लग रहा है? अब टूटेगा ना, तोड़ूंगा ना मैं, जो बदतमीजियां कर रहा है तू। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा दोस्त है, प्रियंका के लिए जोरदार हग, और मेरे दोस्त चंदू के लिए चल भाग फट। बदतमीज आदमी। देखिए, जिस प्रकार से आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, गाड़ी चलाते चलाते ऐसे नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप एक पायलट के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। ओए, चाय से मक्खियां तेरे से उड़ाई नहीं जाती, तू जहाज उड़ाएगा, तू पागल हो गया? पापा जी, ये देखो इतना बड़ा शो चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि मक्खी को उड़ाने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे उड़ जाती है। मक्खी को तो भाजी ऐसे कर मक्खी उड़ जाती, जहाज को ऐसे कर उड़ जाता है वो। तो भाजी यार। उसके लिए पाजी प्रॉपर, आपको पता, नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, ड्रन फिर उड़ता जहाज। देखा, इसकी हरकतें ऐसी हैं। ये बुरा बहुत मान जाता है, मेरा दोस्त है चंदू। हाँ, ऐसी बातें बताओ। हाँ, ही इज माय फ्रेंड कम फैमिली नौकर ज्यादा। 2 ग्लास कटिंग चाय लेके ग्लास धो के लाना चल। नहीं नहीं, मुझे मुझे लाइक मुझे चाय नहीं पीनी। कोई बात नहीं, हम कॉफी पे चले जाएंगे। अगर आपके पास टाइम होगा तो हम कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं। आप तो बड़े फॉरवर्ड निकले, कैंडल नहीं सैंडल रेडी है मेरी आपके लिए। अच्छा, मुझे प्रियंका से वार्तालाप करने दे जी। ये तो मैंने तेरे साथ ना वार्तालाप शुरू कर देनी है। तो फिर आराम से बात, फटाफट निकल यहाँ से। जहाज के कप्तान से मेरा अनुरोध है, अच्छा, यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था। हाँ, ऐसे बोलो ना, अबे जलपान की व्यवस्था करता हूँ मैं। प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। प्रियंका, आप हमारे सोफा बैठ के इसको और महंगा कर दे प्लीज। आप सब बाखूबी जानते हैं कि 2016 जो है वो प्रियंका के नाम रहा, पद्मश्री इनको मिला, ऑस्कर से लेके एमिस रेड कारपेट तक ये छाई रही, यूनिसेफ ने भी इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है, एलन डिग्निस के शो से लेके एलन डिग्निस के शो से लेके जिमी फैलन तक। हाँ जी, एलन जब तक तू ये सही नहीं बोलेगा, शो आगे नहीं जाएगा।
तो कहने का मतलब वाइंड अप कर दें एपिसोड यहीं पे। एलन डंग्रिंस, आप बताइए, याद दिलाइए। एलन डंग्रिंस डी रेजुनेट, डी रेजुनेट, डी जेनरस, एलन डेंजरस, या सेम एलन, एलन डेंजरस, या करेक्ट, एलन, एलन डेंजरस, नहीं, या डी डी जेनरस, एलन डेंजरस, एलन डेंजरस, एलन ये से लेके जिमी फैलन तक पूरी दुनिया चाहती है कि ये उनके शो में आए। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं प्रियंका आपकी, हमें आप पे बहुत प्राउड है। तो हम 2017 जो है वो आपसे पूछना चाहता है कि आपके अचीवमेंट की लिस्ट पूरी हो गई है 2016 में, तो 2017 की शुरुआत करें। मतलब बहुत प्राउड फील होता है और आपको बहुत बहुत मुबारक इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए। प्रियंका आजकल ज़्यादातर हॉलीवुड में रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं, हमारे लिए क्या लेके आई है वहाँ से? कुछ लाई नहीं, हमें तो ISD कॉल इतना महंगा पड़ता है, आप तो कर ही सकती थी वहाँ से। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। सीरियसली? जी सीरियसली। क्या लाई हूँ मैं, जरा लाई? व्हाट? सीरियसली? सीरियसली समथिंग सरप्राइज। आजकल मैंने सुना है कि कपिल सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप्स ट्विटर मैनुअल, इसमें क्या है? मतलब वो भी रात को ट्वीट करना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आजकल चेंज हो गया, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ आजकल। मैं वहां बैठे बैठे सब जानती हूँ, स्पेशली इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि चलो प्रियंका गई है हॉलीवुड तो चलो धीरे धीरे करके अपने सब लोग भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे, मेरे को भी कभी कोई ऑफर दिला दो कि साइड में पड़ा रहूंगा, कहीं क्रेडिट्स में बाद में भी आ जाऊंगा, कुछ चक्कर नहीं। अच्छा तो मैं एक्टिंग करनी है वहां पे? या आई मीन वहां पे ऑब्वियसली इंग्लिश में एक्टिंग होती है। मैं यू कांट इवन थिंक हाउ मच एक्सपेंसिव इंग्लिश स्पीकर आई एम। पर एक्चुअली मैं नहीं नहीं प्लीज एक्सप्लेन, आई वांट टू अंडरस्टैंड, मेरे को जानना है। आई मीन आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रॉम 9 AM टू 7:30 PM। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद माय स्लीप टाइम, आई गो टू स्लीप शार्प 8, आई वेक अप बाय 4 बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग माई ओन मूवी। Okay. I can't afford delay. Cannot. प्रियंका की मम्मी जी भी यहाँ पे हैं, मधु चोपड़ा जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये सारी जो खूबसूरती है यहीं से आई है। मधु मैम आपके साथ कौन बैठी हुई है? प्रियंका वैशी, ये खूबसूरत हसी ना, इनका नाम है दीपशिखा भगनानी। दीपशिखा भगनानी, ये हमारी को प्रोड्यूसर है, हमारे साथ प्रोड्यूस की बेटी। ओहो, पहले बता देना चाहिए था मुझे। हाउ आर यू वाशु सर, कैसे? वेरी गुड, थैंक यू। आप भी बहुत अच्छी हैं, थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये भी को प्रोड्यूस कर रही हैं साथ में? जी हाँ, हम एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सरवन जो लोहड़ी पे रिलीज होने वाली है। ये करण है जो डायरेक्टर है हमारी फिल्म के, कैसे दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, वेलकम। मेरी मदर और हनी एंड मी ऑफ कोर्स। तो मम्मी को प्रोड्यूसर क्यों बनाया? मतलब ऐसे दिमाग में रहता है कि मम्मियां थोड़ा खर्चा बचा लेती हैं ऐसे? ओ, तुमको पता नहीं है कि मैं कितने पैसे खर्च कर देती हूं। मम्मी को बना दो तो कोई पैसे लेता ही नहीं, मांगता ही नहीं मेरे से पैसे। अच्छा, बेस्ट प्रोड्यूसर मूव। प्रियंका जी आपको चेक साइन करना, मुझे तो कुछ नहीं पता जी, आप मम्मी से पूछ लो। मुद्दे की बात पे आते हैं, एलन, एलन वही जो पहले बोला था, तो क्या बोला था? Dangerous. Dangerous. Oh. And Jimmy Fallon. नाम तो अच्छा कर दिया। उन सब के शो पे आप जब जाके आईं, उसके बाद आपको हमारा शो कैसा लग रहा है? Great. नहीं मेरे को। पाजी जो भी बंदा मुंबई आता है, लड़का लड़की हीरो हीरोइन बनने, सबका सपना होता है कि उनका पोस्टर जो है, उनके पोस्टर्स हैं उनके शो के या उनकी फिल्म के, जुहू बीच पे लगे हों, वहां पे और सब देखे। प्रियंका आपके पोस्टर्स तो न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में लगे हुए हैं। वाओ। तो आपको प्राउड तो फील होता ही होगा, जाहिर सी बात है, पर उस समय आपको कंफर्म तो हो ही गया होगा कि अब तो कपिल शर्मा शो में जाएंगी। करेक्ट। लेकिन
मतलब मैं कितनी बार आ चुकी हूँ तुम्हारे शो पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि इतना अच्छा शो है। इस शो में कब आई हो? अभी पहली बार है। 6 बार तो आ चुकी हूँ मैं। इस योर फर्स्ट टाइम प्रियंका? नो, तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक है? हम लोग कितनी बार काउच पे बैठ के सिद्धू जी के सामने, बस चैनल अलग था, चैनल अलग था ना। बड़ा बनवा जाओ। नया शो है या नए चैनल पे? सोफा दिखा के खूबसूरत। अच्छा, इसलिए मैं सोचूं कि बदबू क्यों नहीं आ रही। हमारा बजट बढ़ गया ना, इसलिए बजट भी बढ़ा सर। आई एम सो सॉरी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, बड़ा अच्छा शो है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट सिद्धू जी आप अपनी पोजीशन तो बदल लेते, कंफ्यूज कर दिया ना गेस्ट को। एक कसूर मेरा ही है। आप ही का तो है, सिर्फ लड़कियां आपके जो पीछे बैठी हैं वो अलग हैं। लड़कियां मेरे पीछे इसलिए बैठती हैं क्योंकि कपिल का व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा, तो नजर उधर। तो मेरे सामने प्रियंका चोपड़ा बैठी होगी तो मैं उधर की देखूंगा, पहले तो ये बताओ आप। अब बताओ, मेरा कोई फायदा है? बेटा, तेरी निगाह हर दिशा में घूमती है, मैं जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ पहले क्या होता था कि जैसे गेस्ट आए तो सिद्धू जी भी साथ में आते थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने जब लड़कियां बैठानी शुरू कर दी ना तो सिद्धू पाजी 35 मिनट पहले आ जाते हैं। और फिर पूछते रहते हैं लड़कियों से, और भाई मोहतरमा खाना वाना खा नहीं। बदमाश आदमी। पाजी आपको पता है प्रियंका क्वांटिको सीरीज तो करी नहीं है। हाँ। अभी बेवॉच जो इतना पॉपुलर जो सीरियल था उसके ऊपर फिल्म बन रही है, वो भी प्रियंका कर रही है, आपको उसके लिए भी बधाई बहुत बहुत। पीपल्स अवार्ड जो होता है उसमें ये नॉमिनेटेड थी और पिछली बार ये डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पे और जीती भी, और इस बार फिर ये मेन लीड में वहां पे नॉमिनेट हैं और हमें पक्का विश्वास है आप इस बार भी जीतेंगी। तो क्या आपने वो जो विनिंग स्पीच होती है वो तैयार की है आपने? नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा कॉम्पिटिशन थोड़ा डेंजरस है। आई मीन बाकी जो बड़ी दिग्गज एक्ट्रेसेस हैं तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे हेल्प कर दो इस मामले में। तुमने तो बहुत स्पीचेस दिए होंगी ना, अवार्ड जितने जीते हैं। नहीं, लोग हंस क्यों रहे हैं? लेट्स चेंज द टॉपिक। हम तो आपको सुनते रहते हैं कि भाई प्रियंका कुछ नया करेगी, कुछ नया बोलेगी। हम तो वही है, हमारा चैनल बदला, बंदे वही, देख लो हमारे तो सूट भी वही है, हमारे तो कपड़े भी, हमने सर्दी के हिसाब से स्वेटर पहन लिया। बाद में याद आया कि शो नॉर्थ में जो देखते हैं उनको लगती है सर्दी, मुंबई में तो गर्मी है। मैंने वही, तो आई एम स्वेटिंग फ्रॉम इनसाइड। तो फिर आई थिंक प्रेपरेशन स्पीच की मैं अकेले ही कर लूंगी फिर कभी ना कभी। मैं तो अपनी फिल्म के लिए जो मुझे अवार्ड मिला है ना, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। पर इस बार आप एक काम करना प्रियंका, सीरियसली जब आप जीतेंगी ना तो आप मेरा ऐसे नाम बोल देना ऐसे बीच में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, कपिल हु हैज एक्सेप्टेड मी इनटू अ न्यू कंट्री। कपिल, थैंक यू सो मच फॉर द हिंदी मूवी इंडस्ट्री हु हैज गिवन मी कपिल सो मच टू डू। एंड व्यूअर्स ऑफ क्वांटिको, कपिल बस हो गया, मेरा तो हो गया इतने मैं तो बस ठीक की तरह। कपिल। अच्छा प्रियंका, आपने कभी नोटिस किया? अच्छा, इंसान को छींक आती ना तो उसके 2 सेकंड 5 सेकंड बाद नॉर्मल नहीं होता, छींक मारता ना उसके बाद ऐसे से करता रहता। कभी ना किसी डॉग होते ना जो पेट, उनको छींकते देखना, कभी लैब है ना मेरे पास, वो बड़ा प्यारा है, वो छींकता तो सडनली कुछ ऐसे अचानक हरकत हो जाए ना जैसे छींक रहा है, तो इतना टाइम लेते वो चलते भागते भागते करता, वो उबासी भी लेते हैं। पता आपको, मैं ऐसे दिल करा, आप इतनी प्यारी लगती हो तो थोड़ा घर वाला संबंध है तो ऐसे शेयर कर रहा हूँ। कभी आदमी उबासी लेता ना, पूरी उबासी लेके उसका मुंह बंद होकर फिर 2-3 सेकंड लगते हैं। कुत्ता उबासी ले रहा ना कभी, और बीच में उसे कुछ दिख जाए। मुझे बड़ा क्यूट लगते हैं कुत्ते। मेरे को इतना अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिविया और इन्फॉर्मेशन मिलता है ना इस शो पर, मतलब ऐसे जेम्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम जो आपको कहीं और दुनिया में नहीं मिलेंगे। देख लो, पूरी दुनिया घुमाओ। ओनली विद कपिल। पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कुत्ता उबासी कैसे लेता है। आप सोचो ऐसा नॉलेज आपको कहीं मिलेगा? ना जी ना, कोई बता सकता है, वो भी उबासी करके। ये कहीं पे है ही नहीं इतना टैलेंट। इवन एलन टूट के भरा हुआ है आपके, डेंजरस में भी नहीं है उसमें भी नहीं है। कुत्ता चीख कैसे मार रहा है कुत्ता?
बड़ी सारी चीजें मैं ऐसे मतलब देखते रहा ना। बंदर, बंदर को देखा कभी आपने? आप ना शिमला में ना एक जाखू मंदिर है, अब वहां पे जाओ ना तो वहां पे बंदर काफी रहते हैं, तो उनको कोई मतलब आपकी पॉकेट ऐसे चेक करने लगते हैं जाके ना, जैसे आपने जैकेट पहना तो ऐसे पॉकेट में हाथ डालते हैं, पैसे वैसे नहीं निकालते, पैसे हो तो वापस रख देते हैं, तो वो देखते हैं कि खाने पीने कुछ चने कुछ ऐसे है ना पॉपकॉर्न ऐसे कुछ मिले तो फिर खा लेते हैं। तो हम लोग गए तो मैं भी डर गया, तो ऐसे बंदर क्या करते हैं सोचो, इतने शरारती होते हैं, उनको आप अगर ऐसे चने खिलाओ ना, सपोज आप चने ऐसे आगे करो, ऐसे आपने चने किए ना, तो एक हाथ से आपका ये हाथ पकड़ेगा ताकि आप ना ले लो, तो दूसरे हाथ से खाता रहता है। तो इतने स्मार्ट मैंने कभी नहीं देखे लाइफ में। ऐसे मेरा दोस्त कहता है तू हिलना मत सीधा खड़ा जा, उसको चेकिंग करने दे। वो चेकिंग करता रहा करता, मेरे ना तो पैसे निकले ना चने, तो मेरे को देख कहता लानत डाल के गया हूं। पर उस बंदर से मैं कहना चाहता हूँ, बंदर की औलाद आज देख हमारा कितना बड़ा शो चल रहा है। ओए ओए, बंदरों के साथ कंपटीशन कर रहा हूँ, मेरे क्या दिन आ गए। नहीं नहीं, मेरी भी बंदर स्टोरी है वैसे, अगर हम बंदरों की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी। अच्छा। लखनऊ में, और हमारे स्कूल में के पास एक पेड़ था जहाँ बहुत सारे बंदर आया करते थे, तो एक बंदरिया ऊपर खड़े होके पता नहीं अपने आप को साफ कर रही थी, तो मेरे को बहुत फनी लगा, तो मैं खड़े होके हंस रही थी उसके ऊपर जोर जोर से, देखो कैसे अपने आप को साफ कर रही है। वो नीचे आई, उसने मुझे देखा, मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर चली गई। यू रिमेम्बर मॉम? एक बंदरिया से थप्पड़ पड़ी। तो फिर तुम्हारा भी हाईलाइट है मेरा। तो काटा भी था एक बार एक बंदर ने। मूविंग ऑन, चलो। ओके ओके, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेके बंदरों की बातें कर रहे हैं हम लोग। पाजी IMDB पर इन्होंने स्कारलेट जॉनसन, अब मैं जो भी इंग्लिश नाम लूंगा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, स्कारलेट जॉनसन, जो एमा वॉटसन, जो हैंसन, बट ठीक है, जो हैंसन, जो है सन, ठीक है, जिनका जो है वो ठीक है। अच्छा, तो मतलब स्कारलेट जोहानसन, करेक्ट, एमा वॉटसन, करेक्ट, इनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया, इस बात के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने उनको बता दिया कि सबसे बेस्ट हमारी देसी गर्ल। लेकिन जब तक कपिल ने ये बोला मैं भूल गई कि मुद्दा क्या था। कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, वो तो उदास हो गई होंगी ना कि प्रियंका अभी भी आई और हमें पीछे छोड़ दिया। उनको मेरा नंबर दे देना, मैं अभी तुम उनका ख्याल रख लोगे। हाँ। मैं बोल दूंगी कपिल, मैं तो क्या रखूंगा, अमीर अभिनेत्रियां मेरा रखेंगी वो। यात्रियों के लिए जनपान का इंतजाम हो गया है, ये आपके लिए जल और ये आपके लिए पान। ओह, रियल पान? यस यस, दिस इज वेरी मच रियल पान। थैंक यू वेरी मच जी। खाना मत प्रियंका, पता नहीं 6 महीने पुराना है, हर बार यूज करते हैं ये। ऐसा मत बोलो, मुझे पान एक्चुअली अच्छा लगता है, खा सकते हैं? जी जी, आपके लिए। जी जी, पक्का फ्रेश है? फ्रेश है, आपकी तरह थोड़ी है। पानी 3 दिन पुराना पी लो, आपके लिए लेकर आया था मैं। पानी भी कभी पुराना हुआ बेवकूफ, जल ही तो जीवन है। कहते जहाँ पे कोई हंसी वाली बात ना आए तो थोड़ी अच्छी इज्जत वाली बात कर देनी चाहिए। हाँ, तब तुम पे लोग हंसते हैं ना। अरे नहीं, क्या बात। पान खा के ना इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही जगह पे करना। क्या बात है, इनको क्या सिखा रहे हैं आप, हॉलीवुड में काम करते हैं, इनको मत सिखाइए, सारा कुछ आता है इनको, आप खुद सीखिए। आपको पता है इन्होंने तो मेरे को ऑफर भी किया हॉलीवुड जाने के लिए। इधर आ जी, बैठ इधर। तो पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, वो इंग्लिश में बोल जाती फटाफट, पता नहीं चलता, ऑफर नहीं किया तुझे, गंदे कपड़े दिए होंगे धोने के लिए। ध्यान से धोने तूने, ठीक है? बहुत महंगे कपड़े पहनती प्रियंका, चश्मा पहन के आ गया उसकी ड्रेस से मैच करता हुआ। मेरे को सच में किया है ऑफर। तेरे से एयरपोर्ट पे तुझे तो चेक इन नहीं करना आता, तुझे क्या हॉलीवुड क्या करेगा जाके तू? क्यों नहीं चेक इन करना आता? बड़ा सिंपल है चेक इन करना। क्या? जैसे ही अंदर जाओ सबसे पहले वो बेल्ट उतरवाते हैं, बाद में जूते उतरवाते हैं। हाँ, वो लोगों का उतराते, तेरा तो मुंह भी उतरवाएंगे वो। ये मुंह है ही नहीं इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने वाला। और मुंह आपका उतरा हुआ ये सोच कर कि मैं हॉलीवुड जा रहा हूँ। मेरा दोस्त चंदू अच्छा भी है यार, कब तक तू यहाँ पे गिलास धोएगा? उधर जाके अंग्रेजों के गिलास धो। कपिल शर्मा, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, अंडरस्टैंड? ओए, ये इतना हैवी वर्ड तेरे को सिखाया किसने पहले, ये बोल। अंडरवेयर तेरे से बोला नहीं जाता, वो तू पहनता नहीं है।
अंडरएस्टिमेट। यार मेरी बात सुनो, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे कह सकते हो मैं अंडरवेयर नहीं पहनता हूं भी? आप कैसे कह सकते हो मेरे को? क्योंकि ये स्कर्ट जड़ी तेरी पहले फटी हुई थी। अच्छा, तब मैंने देख लिया था। ये बंदा ना, ये पाजी जूठा अंडरवेयर पहनता है ये। हाँ जी, यही जूठा करके देते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, बाद में कहते हैं तो पहन लो। पाजी बताओ, जूठा अंडरवेयर भी कभी होता है? और गंदा अंडरवेयर होता है। हाँ तो फिर धोता क्यों नहीं? मैं गंदा पहनू या धोकर पहनू, कैसा भी पहनू, पहनता तो हूं ना, ये तो वो भी नहीं पहनते। तूने कब देख लिया कि मैं नहीं पहनता? फिर बकवास बातें कर रहा है। हाँ हम तो जैसे कुछ देख नहीं सकते, सारा कुछ देखने का ठेका इन्होंने ले रखा है। हम तो पाजी यहाँ पर सिर्फ कपिल शर्मा शो देखने के लिए पैदा हुए हैं। कैसी बात कर रहा है तू? मेरी नई फिल्म आ रही है, वो भी देखना तू। अरे बात सुन प्रियंका, प्लीज आप मेरी इज्जत आपके हाथ में है, आप थोड़ा सा ये कह दो कि चंदू मैं तुम्हें हॉलीवुड लेकर जा रही हूँ, मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट बन जाएगी। एक्चुअली रियली गुड आइडिया चंदू, जो मेरे स्पॉट बॉय थे ना, उनका उनका भी वीजा रिन्यू नहीं हुआ है। मैं उनका वीजा लगवा दूंगा, आप मुझे ले जाएं बस। तो आप उनकी जगह आ सकते हैं, उनकी सीट पे। आप उनकी सीट पे भी बैठ सकते हैं, आपको बस मेरा बैग पकड़ना है, बस। ठीक है, बाद में फिर फिल्म में काम करना है ना। हॉलीवुड तो सब कोई भी जा सकता है, आप बताओ क्या करो। क्या आप एयरपोर्ट जाओ, बोलो आपको हॉलीवुड की टिकट चाहिए। अच्छा, वो एक्चुअली आपको हॉलीवुड की टिकट दे देंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं हॉलीवुड एक्चुअली एक जगह है। अच्छा, आप ऐसे गए थे हॉलीवुड? आपने बताया। I'm learning American accent. You rascal, you just got out from here. वैसे प्रियंका हमारे शो में आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज आप चाहें तो इसे गाली दे सकती हैं, हम बीप करके चला देंगे। You can abuse him. मेरे को तो अब्यूज नहीं करना आता, मुझे लगता है मैं अब्यूज करना आता है मेरे को। देखा, ये मेरे लिए स्वीटनेस आता है इनको, इनको मैंने देखा कपिल शर्मा को गाली देते हुए। प्रियंका जी मैं अपना सामान पैक कर लूं? हां जी तू कर ही ले, वो तो लेके जाए ना जाए, तुझे मैं तो निकाल ही रहा हूं आज। जाओ यार, रेडी हो जाओ जी। मैं लेकर जा रहा हूं, तो मैं अपना सामान पैक कर रहा हूं, बस इतना सा करना था आपने? हां जी बस। इधर रख दीजिए, मीठा है ना इसलिए। ठीक है, आपके लिए पानी और लेकर आऊं? इतनी गंदी तेरा मुझे लगा ना आज, पहली बार मुझे कोई स्कर्ट गंदी लगी है। क्यों? ऊपर से ऐसे मेरे मुंह की तरफ करके गिलास उठाया। पता, स्कर्ट एक ऐसा वस्त्र है कि स्कर्ट होती कमर अच्छी हो ना तो उस पर टिकी रहती है, तू चार कदम लगातार चले ना तो वैसे ही उतर जानी है, ऐसे चलते चलते निकलनी इसकी देख। ओके जय हिंद। मैं तेरे को एक बात बोलनी भूल गया। बोलो यार, बोलो। गेट आउट। प्रियंका आपने तो इंडियन लाइफ, अमेरिकन लाइफ दोनों लाइफ देखी है, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ तो कर सकते हैं पर वहाँ कर सकते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ सब्जी खरीदने के बाद धनिया हम अपनी तरफ से उठा लेते हैं, तो वहाँ पे उठा सकते हैं? हाँ उठा सकते हो, बस सीसीटीवी कैमरे के सामने मत करना है। मतलब धनिया होता है उधर, सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ होता है, होता है। अच्छा, अरे बहुत धनिया। तो धनिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Actually don't know, मैं तो धनिया बोलती हूँ ट्रांसलेट करके। कोरिएंडर। 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 माँ माइक दे दो मैडम जी। जी क्या बोलते हैं? सिलांट्रो। सिलांट्रो। ये लड़का है कि लड़की है? दोनों में से कोई नहीं है। तो कोरिएंडर और ये जो सिलांट्रो जी, तो इसमें और कोरिएंडर में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन वहाँ सिलांट्रो बोलते हैं, कोरिएंडर नहीं बोलते। आप अमेरिका से हैं मैम? जी। अच्छा अच्छा, कहाँ से? क्लीवलैंड ओहायो। उत्तर तो सवाल पूछ, सवाल पूछ, क्लीवलैंड ओहायो। कुछ चीजें मैं अमेरिका बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, जैसे मुझे न्यूयॉर्क पता है, वाशिंगटन डीसी पता है, ये आपने क्या बोला कौन सा? क्लीवलैंड ओहायो। व्हाटएवर, वेरी डिफिकल्ट। ओके, किसी के घर की घंटी बजा के भाग सकते हैं? हाँ, मैंने किया है। और बताऊँ क्यों किया? क्यों? क्योंकि मेरा भी दिमाग में यही सवाल था, तो मैंने करके ट्राई कर लिया, किसी को कुछ नहीं पता चला, मैं भाग गई। मधुमक्खी को धागा बांध के ऐसे उड़ा सकते हैं? मधुमक्खी को धागा लगा के क्या बच्चे इंडिया में भी उड़ा सकते हैं? इंडिया में उड़ाते हैं बच्चे? मधुमक्खी नहीं होती, वो ड्रैगन फ्लाई होती है, वो पीछे वो हेलीकॉप्टर बोलते हैं जिसको, हेलीकॉप्टर। तो वो मधुमक्खी हुई? मधुमक्खी कहाँ से है वो? वो मधु आंटी सामने बैठी थी मेरे दिमाग। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ऐसे ही ऐसे समंदर की तरह मुंह करके ऐसे कि हम एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे को पता ही नहीं कि हम हल्के हो रहे हैं, तो ऐसा होता है? ऐसे होता है? आई मीन बीच तो वहां पे बहुत सारे हैं, ऐसा तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, लोग करते हैं। और
मैं स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हूँ, प्रियंका भी, ये चीजें जो हैं हम लोग हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम अपने बीचेस, हम अपने गार्डन्स, हमारे शहर, हमारे देश को साफ रखें। हंसी मजाक ठीक है, अपनी जगह हम लोग करते रहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्रियंका, यहाँ पे आपके चाहने वाले जो हैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहते थे, क्योंकि आप जब से अमेरिका गई हैं आप बहुत कम आती इंडिया। 6 महीने तो हुई यार, बहुत होते हैं 6 महीने हमारे लिए। तो ये सब आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जी, आप प्रियंका से जो भी पूछना चाहते हैं प्लीज। हैप्पी न्यू ईयर सिद्धू जी, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर प्रियंका जी। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी जी। मेरा नाम योगेश है, मैं हरियाणा से आया हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप प्रियंका से? मेरा सवाल प्रियंका जी से है जी, और तो कोई है भी नहीं, नहीं है। प्रियंका जी से होगा आपका सवाल। प्रियंका जी, जैसे जी हॉलीवुड में होता है, कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो स्माइल करता है, तो उसके वो जो लड़की होती है उसे थैंक यू बोलती है। बट हमारे जो इंडिया में होता है, अगर मैं किसी लड़की को देखो या कोई भी इंडियन लड़का लड़की को देखता है तो बोलता है आप बहुत सुंदर हो, तो लड़की बोलती है शट अप, तुमने कभी कोई लड़की नहीं देखी। और हमारे हरियाणा में क्या रहता है, लगभग जो लड़के रहते हैं हरियाणवी लड़के, वो लड़की को बोलते तू घनी सुंदर दिखे से के बात, आज घना मेकअप कराए गए, तो लड़की बोलती है लाठी खा के मारने का गे। तो बताओ हम लड़के करें क्या, कोई तरीका बता हम जिससे हमसे लड़कियां पट सके। तुम्हें तो लाठी बनती, मैं लाठी में hey. एक लड़की से आप लड़कियों को छेड़ने का तरीका पूछ रहे हैं? How dare you? कोई तो मैं बोल रही हूँ, डिफरेंस ये है कि आप छेड़ना बंद करें और पटाना शुरू करें। लड़कों का प्रॉब्लम क्या है, वो लड़कियों को छेड़ने के पीछे रहते हैं। बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, शुरू करें प्यार मोहब्बत की बातें करें, थोड़ा एक कुछ चिट्ठी लिख के भेजें, थोड़ा सा गिफ्ट भेजें, स्टॉक करके छेड़ने के, अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर छेड़ने में थोड़ा ना मजा आता। तो वो अगर ट्राई करोगे तो शायद लड़की थैंक यू बोल दे। योगेश, आप करते क्या हैं हरियाणा में? मैं एक्चुअल में कंपनी में काम करता हूँ, मोबाइल कंपनी में। अच्छा अच्छा, तो आपका तो फ्री होगा ना आउटगोइंग वगैरह? नहीं सर, अभी फ्री नहीं, अभी फ्री होने वाला है, आप बोल दोगे तो हो जाएगा। तो मेरी मासी की लड़की कंपनी में काम करते, मैं कैसे? पर चलो, बहुत अच्छा लगा योगेश आप सर, आए। सर एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरा आज बर्थडे है, मैं आपके लिए कुछ पेश करना चाहूंगा अपनी तरफ से। जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक योगेश। कितने साल के हो गए पहले ही बताओ? सर मैं 26 साल का हो गया हूँ। अगले साल ध्यान रखना, 27 के ना हो जाना। जी जी योगेश, कुछ लिख के लाए। जब जब तुम टीवी पर आते हो, लोगों के दिल में खुशहाली लाते हो, कॉमेडी के तुम सरताज हो, सबको तुम पर नाज हो, शनिवार रविवार को तुम आते हो, लोगों के दिल जीत जाते हो, जब जब तुम चप्पू बनते हो, सबको तुम हंसाते हो, राजेश अरोड़ा बनकर आते हो, सबके दिल को बहलाते हो, जब जब तुम कॉमेडी करते हो, दुनिया में इंडिया का नाम ऊंचा करते हो। सो स्वीट, थैंक यू योगेश, हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर। मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट देता हूँ एक, और वो भी प्रियंका के हाथ से। थैंक यू सर। ये तुमने कविता लिखी, हमारी अपनी जगह किसी ने दी थी। अरे भाई कैसे हो? ये प्रियंका, इनका आज बर्थडे है, तो इनको आप एक खूबसूरत सा मोबाइल। हैप्पी बर्थडे। काम ही खराब कर दिया, लड़कियों को ऐसे करता है कोई? तेरा बर्थडे ना होता मैं तेरा मुक्का मारता पेट में। अच्छा, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। 2016 में आपने प्रियंका का जितना भी काम देखा, जितनी भी अचीवमेंट्स देखी, 2017 में आप लोग प्रियंका को क्या करते हुए देखना चाहते हैं? जो भी आपकी ख्वाहिश हो, जो भी एज ए फैन आप कुछ भी बोल सकते हैं। जी सर। हेलो कपिल जी। हेलो सर। हेलो सिंधु जी। हेलो जी। हेलो प्रियंका जी। हेलो जी। प्रियंका जी, हम आपकी हर मूवी देखते हैं। थैंक यू। तो पैसे चाहिए अभी? कपिल जी का शो तो रोज देखते हैं, कपिल जी का शो के लिए स्पेशल शनिवार रविवार तो फ्री में आता है। रखते हैं। और आजकल योगा का बहुत चलता है, तो बॉलीवुड में भी काफी योगा की डीवीडी निकली है, अपने रामदास बाबा योगा कराते हैं। अरे रामदास बाबा नहीं, रामदेव बाबा। रामदेव बाबा, रामदास बाबा क्या क्या कर रहा है यार? मेरी ख्वाहिश थी कि प्रियंका जी कोई योगा की डीवीडी निकाले, तो हम उसके बड़े फैन है, तो हम भी योगा स्टार्ट करें, कुछ थोड़ा सा स्फूर्तिला हो जाएगा। एक बात बताइए मुझे। हाँ। बाबा रामदेव ठीक नहीं सिखाते लोगों को जो आप उनको बोल रहे हैं? लेकिन बाबा रामदेव को देखने में और प्रियंका जी को देखने में फर्क पड़ता है ना।
उसमें उसमें करने में और आदमी को उत्साह होएगा कि आप चलो प्रियंका जी की डीवीडी आ रही है. एटलीस्ट ऑनेस्ट तो है. जी 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 ये कंसिडर मैं करूंगी डेफिनेटली. योगा थोड़ा मुश्किल है. पहले खुद सीखूंगी फिर शायद डीवीडी बनाऊंगी. अच्छा. वैसे कोई एक्सरसाइज बता दो उनको. आपको कितनी सारी एक्सरसाइज आती हैं? कुछ तो कम हो. वो बक्कल नाभि के अंदर घुसा हुआ है पूरा. देखो सही बेल्ट का. इसलिए तो बोल रहा हूँ सर. अभी देखना वैसे ऐसा होता नहीं पर जब पैंट खोलेंगे ना तो नाभि के बक्कल का निशान बना होता है ऐसे. क्योंकि मेरा भी तो था ना इतना मुझे पता है वो निशान बन जाता है पूरा. सीरियसली बताओ प्रियंका आपके जेन्युइन फैन है. उन्होंने ऑनेस्टी से आपको सवाल किया. मुझे खुद ही योगा नहीं आता. कोई और एक्सरसाइज आते हैं? आओ आप. क्या भाई तो आपको क्या करना है बेसिकली? डक वॉक पता है आपको? जैसे बतख चलती है. हैं ऐसे बैठना है आपने. ठीक है ठीक है. तो अभी अब बैठिए. बैठे थोड़ी देर बैठे रहो मजा आएगा. चलिए बैठे बैठे बैठिए बैठिए. ठीक है अभी चलो. चलिए चलिए चलिए. Well done. खड़ा नहीं होना. थोड़ा नीचे ना. चीटिंग नहीं चीटिंग. इतना ऊंचे नहीं. डक वॉक कहा है मैंने. हाँ बकरी वॉक नहीं बकरी. अभी ऐसे रहो ठीक है. चलिए ऐसे करते करते बोरी वाली निकल जाएगी. शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स फॉर कमिंग. अच्छा प्रियंका मेरी ज़्यादा कोई फरमाइश नहीं है. मैं खाली मेरे को ना भ्रम तोड़ना है लोगों का. मुझे जाके इंग्लिश में काम करना है कुछ भी. मैं आई एम रेडी टू डू. वो एक चीज़ सही है क्योंकि वहाँ पे हर इंसान को चाहे आप जितने भी बड़े सक्सेसफुल एक्टर हो या नए एक्टर हो सबको ऑडिशन करना पड़ता है. तो अगर तुम्हें इंग्लिश में एक्टिंग करनी है तुम्हें भी ऑडिशन देना पड़ेगा. आई एम टेलिंग यू आई कैन स्पीक इंग्लिश लाइक हेल. आई नो यू नो व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई डोंट डू कंजूसी. I'm a triple XL English speaker. I mean, on that level. Okay, so we can do that. Let's do an audition. मैं director बनती हूँ. Okay. और आपको scene देंगे. Okay. और आपको वो scene act out करना है. And क्योंकि ये हम English और Hollywood के लिए audition कर रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि international actor के साथ तुम्हारा टक्कर किया जाए. Wow, why not? हमारे international artist Ron Jackson. मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको ये म्यूजिक इतना टेंस है जी. क्योंकि ये सिचुएशन इतनी टेंस है. ओके एक ऑडिशन होगा आपके और रॉन के बीच में. ओके वॉर का सीन है. वॉर का सीन पहले थोड़ी ना होता है. पहले थोड़ा कोई रोमांटिक सीन होते हैं पहले. हीरो हीरोइन मिलते हैं पेंटिंग में. डिसाइड कौन कर रहेगा क्या शूट कर रहे हैं. हम लोग पहले क्लाइमैक्स शूट करेंगे. ओके 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 ओके. ट्रॉय फिल्म है उसका सीन है. देखते हैं इंग्लिश में ज्यादा अच्छी एक्टिंग कौन करता है. ट्रॉय ब्रैड पिट वाली. Yeah. I have seen Troy. So let's see. Let the best man win. Okay. Young king. I'm the son of David. I've come only because of you. You bloody dead meat. Let the war begin. No war. Listen. Today is Ravivar. You are ke haath mein itni badi talwar. Hamare haath mein no hathiyar. Oh, I have hathiyar. मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ कि उसका मैनीक्योर पेडीक्योर करने जा रहा हूँ. ये क्या मेरे को दे दिया? Come on, young man, show me your bravery. Listen, you don't fight. I am telling you, your skirt is very choti. Go and wear big dhoti. Dhoti puri khulli hoti. यहाँ से शुरू करते टर्न गोल गोल गलोटी धोती धोती. लिसन आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी चिल्ड बिकॉज हर तरफ से खुली होती. यू आर गेटिंग मी पॉइंट. एंड व्हेन यू स्लीपिंग बी केयरफुल क्योंकि यू आर स्लीपिंग सुबह सुबह धोती मुंह पे होती. एवरीवन हंसती यू रोती. समझ में आया नहीं मोटी? आई विल टेल यू. ए बीट बीट के आई विल डू सो मेनी होल्स इन योर बॉडी. You will not understand what to eat from where and exit whatever. You
तेन समझ नहीं आना, मैं समझा नहीं देर दा पागल जा, चल दफा हो जा तू। वो सीरियसली ले गया उसको। Come on, you loser. I'm loser. Oh. I'm tighter. You are loser. You piece of petha. You मथुरा की मिठाई. You will fight with me. Time is over, kid. Remember your God. और तेनु तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बाप मैं कहता हूँ मेरे को नहीं लड़ना, मैं डर गया हूँ। मैं डरा हुआ हूँ, ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ कि मैं नहीं डरा हूँ। चल पागल पागल जा। What's going on? Is this audition or what? It is an audition. It is. पागल का बच्चा? पागल का बच्चा? प्रियंका मुझे पागल का बच्चा कहा इसने? इसके नाखून काट दो पकड़ के, इसके आईब्रो खींचो तो पकड़ के। पर इसे तो पंजाबी आती है। हो समझ गया सब कुछ तो तुमने कहा है। रॉन थैंक यू वेरी मच बट ऑल यू हैव टू डू इज रॉन वी कैन सी द इनसाइड गॉन व्हाट आर यू वेयरिंग फ्रॉम डाउन ओह सॉरी उसकी चड्डी I want to introduce this guy. He is a very funny guy. His name is Ron. He's from America. Thank you. And he specially came to do this act for us. Thank you so much, Ron. Of course. No, of course. Ron, I'm saying thank you to you and you're talking with us. Oh, I'm sorry. Thank you so much. Thank you, Ron. Thank you, Ron. It's a pleasure. सीन समझो, हीरो हेलीकॉप्टर से आता है, हीरो यानी कि मैं, और उधर से करीना कटरीना आलिया श्रद्धा भागी हुई आती हैं, चारों कहती हैं डॉक्टर आई लव यू, फिर मैं कहता हूँ व्हाट ए बिजी डे, ठीक है, और फिर गाना शुरू होता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। एक मिनट फोन देना। हेलो गॉड, या तो मेरे को हॉलीवुड में सेट कर दो या फिर एक आदमी का मर्डर माफ कर दो मेरे को, ठीक है? शर्म रिदम बिगाड़ दिया तुमने मेरा, ठीक है? अब तुम मेरा शूटिंग शुरू करना, ठीक है? मैं यहाँ पे खड़ा हुआ। एक मिनट इधर, तेरे को किस बेवकूफ ने कैमरामैन बनाया? ओके, सुबह मैंने बनाया था, तेरे को याद आया। मैं तेरे को एक बात कहने भूल गया, चल भाग यहाँ से। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? ओह वाह, इसी क्वेश्चन की तो मैं वेट कर रहा था। इन्होंने मेरे ऊपर नावल लिखनी है जी एक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ओह मैं मटर पनीर की सब्जी बना रहा हूँ, खानी है? ओह मेरा हाथ क्या हुआ भाई, काम कर रहा है? कहता हूँ प्रियंका जी से मिलना है। हेलो जी, मैं डॉक्टर मिश्र गुलाटी। ध्यान से। मैं डॉक्टर मिश्र गुलाटी। हाय डॉक्टर गुलाटी, मैं प्रियंका। मैं डॉक्टर मिश्र गुलाटी, एटीएम। एटीएम? आमी तुम पे मरतो। आई लाइक इट। डॉक्टर साहब बंगाली कब से बोलने लगे आप? नहीं वो हिंदी में बन नहीं रहा था तो मैं करूँ। बंगाली कब से बोलने लगे आप? ऐसे कौन भाषा के बारे में पूछता है भाई? तो आप ये बंगाली कब से बोलने लगे? मेरे से हिंदी बन नहीं रही थी तो फिर मैंने बंगाली में बना दी। कई बार होता है ऐसे, तो आपको तो पता है शेर नहीं बनता तो कई बार आप सीधा ही कह देना मोहतरमा कैसी हो। और वैसे तुम्हारी भी तो दीपिका से बात नहीं बन रही ना। डॉक्टर साहब हर बात ना बोल के बताई नहीं जाती लोगों को, कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप्स भी होते हैं। हाँ वो दूसरों के होते हैं, ये तो अपने ट्वीट ट्वीट कर करके बताएंगे इनका मौका मिला तो। ओके आई वांट टू हैव अ इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन विद प्रियंका। और हॉलीवुड में मौसम कैसा है? आशिकाना है। हमें भी ले चलिए जरा वहाँ पे। आपके बिल्कुल लायक है डॉक्टर। Yeah, I want to go there. You know what? वैसे भी मैंने एक अंग्रेजी फिल्म शूट की है। कौन सी? अबे वॉच। आपको शर्म नहीं आती शर्म चोरी करते हुए? फिल्म का नाम है बेवॉच और वो प्रियंका कर रही है। कान ठीक कराओ अपने,
मैंने क्या कहा, मैंने बेवॉच कहा, मैंने कहा अबे वॉच, इनकी बेवॉच है मेरी अबे वॉच, और मैंने तो उसके सीक्वल भी रजिस्टर करवा दिए हैं। क्यों बे वॉच, अलबे वॉच, बेबे वॉच, ये सारे। और इससे ये सारी फिल्में मेरे ऊपर बेस्ड है। आपको पता है इसकी लाइफ पे, डॉक्टर साहब की लाइफ पे पहले भी फिल्में बन चुकी हैं। अच्छा, चंडाल, कमीना, एक तो नहीं आई थी सूरों का मसीहा। नहीं नहीं, नहीं वो एक्चुअली नाम मेरे पे थे, स्टोरी अलग थी, मेरे पे स्टोरी नहीं बनाई उन्होंने। और कोई भी ना आगे बढ़ रहा हो ना तो उसको ऐसे डीमोनेटाइजेशन नहीं करते उसकी। डीमोनेटाइजेशन नहीं, डीमोरलाइजेशन। अभी वही चल रहा है देश में, जो चल रहा है उसी की बात करते हैं, देश के साथ चला करो। समझ आई तुमको? आपने जो फिल्म प्रोड्यूस किया पंजाबी, आपको पता है उसका ऑफर पहले किसके पास आया था? किसके पास? बट मेरी डायरेक्टर से बात हो रही थी तो मैंने डायरेक्टर को साफ कह दिया। मैंने कहा डायरेक्टर साहब मेरे नूं पंजाबी नहीं आती, मेरे जो पड़ोसी है गए उन्होंने तो रज रज पंजाबी बोल दिया है, पर मेरे तो मैं तो जिन्ना मर्जी। ये अंग्रेजी बोल रहे हो आप, ये पंजाबी नहीं बोल रहे आप? आती नहीं मेरे को पंजाबी, आती तो आपको डॉक्टरी भी नहीं, छोड़ क्यों देते आप? तो मतलब ये है कि सारे काम छोड़ के मैं भीख मांगने लग जाऊँ ना? वो तो आप अभी भी मांगते हो। दैट इज माई स्ट्रेंथ, ओके? Because in the area of demonetization of the liberation of the stethoscopist world, of course, I would say that the zoology of the Department of Hypocrisy is not believing in the, of course. ये जो आप बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? आपको खुद को समझ में आ रहा है? पहले बताइए। मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, समझ नहीं पाता, ये मेरा है। मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। बट प्रियंका आपको पता नहीं, मेरे ना इतने ज़्यादा फैन हैं, मेरे को आते हैं कहते हैं जानू तुम प्रियंका चोपड़ा जैसे लगते हो। और इसीलिए मैंने ना अपनी फिल्म में ना एक आइटम नंबर भी डाल लिया। Really? I have to go and shoot. I apologize. I have to leave. बस डायरेक्टर साहब बुला भी रहे हैं। आया, आया सर, आया। The shot is ready. So अब वक्त है फिल्म सर्वम की कास्ट को यहाँ पे बुलाने का, जिस फिल्म को प्रियंका प्रोड्यूस कर रही है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिमी चाहल और रंजीत बाबा का। हे साशिकाल, गॉड ब्लेस यू। हाउ आर यू सिमी, साशिकाल? आइए आइए, बैठिए प्लीज। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है, दोनों के लिए जोरदार तालियां। बैठिए। रंजीत, आप और सिमी दोनों इस फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। थोड़ा तो पहले अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं फिल्म में। सबसे पहले भाजी, मेरी डेब्यू फिल्म है। जब कॉल आई कि आपको एक कैरेक्टर दिया जा रहा है और प्रोडक्शन हाउस है प्रियंका चोपड़ा, तो अच्छा, आप सुनना चाहेंगे? मैंने सोचा कि नहीं, मैं सुनना नहीं चाहूंगा, बस करवाओ जल्दी जल्दी। प्रियंका चोपड़ा कहे तो अच्छा ही होगा। प्रियंका मिली थी सेट पे आप? नहीं, एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर क्या फायदा हुआ, मिले तो मेरे शो में आ गए ना वापस। तो एक्चुअली प्रियंका का प्रोडक्शन हाउस है, मैं नाम प्रियंका, मुझे नाम बड़ा बोलने में वही एलन वाली बात। पर्पल पेबल पिक्चर्स, पर्पल पेबल पिक्चर प्रोडक्शन हाउस बनाया, टंग ट्विस्टर बनाया है। पर्पल पेबल पिक्चर, तो पर्पल पेबल पिक्चर जो है प्रियंका का प्रोडक्शन हाउस है। लेकिन इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रियंका के ऑफ कोर्स मम्मी हैं मधु जी, हनी भगनानी हैं, हमारे दोस्त वाशु जी, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे, उनकी बेटी हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। मधु मैम, आपने आप सब कास्ट से पहले मिले थे? वो तो सबसे ज्यादा मिली थी मैं और हनी और अमरिंदर से मिली थी। और हनी 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 आप मिले थे? मिले इन सबसे। तो आप किस लिए मिले थे, देखने के लिए कि सही एक्टर कास्ट किए हैं कि नहीं? किस किस से प्यार करूं, मैं इतना मजा आया कि लगा कि पंजाबियों से तो काम करना ही है, इसलिए पापा ने पंजाबी पिक्चर बनाई है। थैंक यू हनी। आपको पता मधु जी डॉक्टर भी हैं, प्रियंका की मम्मी, तो आपको टेस्ट वेस्ट तो नहीं किया आपकी? आपको पहले टेस्ट भी करेंगे हम कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं है, हीमोग्लोबिन पूरा कि नहीं पूरा, ऐसी कोई चीज तो नहीं की आपने? मैंने इनको टेस्ट तो जरूर किया। जब पहला इनका सीन देखा जब मैंने शूट पे, मैं बहुत इम्प्रेस हुई। अच्छा, बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं, मुझे लगते हैं बहुत आगे जाएंगे। सिमी के बारे में भी तो चार लाइन में तारीफ की, वो वेट कर रही थी कि मेरे बारे में भी बोलेंगी। सिमी का बिल्कुल टिपिकल वो जट पंजाबन वाला लुक नहीं है। अच्छा, शी इज पेटीट, छोटी, अच्छी, प्यारी सी, तो हमारे सीन फिल्म में रिक्वायरमेंट भी वैसी थी, जो देखने में लगी छोटी लेकिन है लाल मिर्च पूरी। जी, अच्छा, आज भी बनी है। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर्वम के लिए। रंजीत, मैं जितना आपको जानता हूँ आपका नाम रंजीत सिंह है जी, तो बाबा कैसे पड़ा फिर?
बाबा पाजी खालसा कॉलेज से मिला. लाइक जब भी मैं स्टेज पे आता था मैं एक ही गाना गाता था कॉलेज में, तो ऐसी ऑडियंस बोलती थी बाबा आ गया, बाबा आ गया जी, बाबा ही गाएगा. मैं बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था कि जब भी मैं सिंगर बनूंगा तो मैं अपनी एल्बम का नाम मिट्टी का बाबा रखूंगा, क्योंकि मैं अपने फादर साहब को डेडिकेट करता हूँ ये गाना. वाह वाह, वो इस दुनिया में नहीं है. सुना यार, सुना. कहना चाह रही थी मेरे लिए इतना इमोशनल मोमेंट है ये, क्योंकि मेरे जो फादर हैं अब रहे नहीं, उनको गाने का बहुत शौक था, लिखते थे गाते थे. तो जब ये फिल्म हमने शुरू की, मेरे पापा का एक गाना है मित्र प्यारे नू जी, जो उन्होंने गाया है, जो बहुत ही पॉपुलर फोक गाना है, जो उन्होंने रिकम्पोज करके गाया था, वो गाना हमेशा हमारे पास था. तो ये फिल्म एक्चुअली मैंने उस गाने के लिए बनाई थी, वो गाना मुझे साल के 365 दिन आए हैं एक साथ एक सूट में. वैसे मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ. अरे ऐसा क्या हो गया जेंटल, आपको जगह दी है पर एक सोफे पे आएगी नहीं ना वो. एक्चुअली क्या है कि हम सब जानते हैं कि लड़कियां इन्हें तो बिल्कुल पसंद करती नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे लड़के हैं लड़कियां हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं. तो ऐसे टाइम पे उनके माँ बाप उनकी शादी करना चाहते हैं, और जब शादी का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर एक गिद्दा का फंक्शन ज़रूर होता है. तो मैं बस चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ऐसा गिद्दा सिखा दीजिए अच्छा वाला, जिसे आगे जो शादी के फंक्शन वंक्शन होंगे ना उन पर ऐसे गिद्दा कर करके मैं थोड़े पैसे कमा लूँगी. बम्पर तू यहाँ क्या कर रही है, बाहर टैक्सी खड़ी है. किसकी? किसी की भी हो, जा उसके जाके नीचे आ जा मेरी भला से. 2017 का सबसे पहला. शट अप, गौर से देख मुझे जी. मेरे अंदर है ना कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा. मेरे अंदर है ना बेवॉच की फिगर है, है क्वांटिको का जिगर है जी. फिर भी क्या है ना, पैसे कमाने के लिए काम तो करना पड़ता है ना, इसीलिए आज से ही ना मैंने गिद्दा का काम शुरू किया है. क्या है ना, पंजाब में ना शादियां बहुत होती है, और अभी तो ठंडी भी है ना वहाँ. इसीलिए पंजाबी हो, रेडी हो जाओ, आ गई आपकी देसी गर्ल, देसी गर्ल. नानी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मेहमान आए कुछ खाने को ले आती उनके लिए. और ये मैं तो बताना भूली गई, मैं दरअसल क्या है ना, कल है ना मैंने न्यूयॉर्क की जबरदस्त पार्टी दी थी. Missed you badly. Oh, I'm sorry, Nani. फिकर मत कर, मैं तेरे लिए कुछ खास चीज लाई हूँ. ये देख. ये ले. 50,000 का बिल है, चुका दे. ये तुम्हारा बिल क्यों चुकाएगी नानी? क्यों? डॉलर्स में कमाती है, नोट में भुगतान तो भर ही सकती है ना, है कि नहीं? हाँ सकती. और वैसे भी बच्ची. I can do it for you, Nani. तू यहाँ नहीं थी. तुझे पता है तेरे पीठ पीछे क्या क्या हुआ है? क्या हुआ? 500 और 1,000 के नोट बंद हो गए. अपने बुरे वक्त के लिए 3-4 बचा के रखे थे देख, लेकिन नोटबंदी में और भी बैंड बज गई मेरी. सुन, इसके बदले में कुछ डॉलर दे दे मुझे. पीछे मिलना मुझे. मेरा तो हो गया. नानी हो गया तुम्हारा? अब 2016 की तरह निकल जा. क्यों निकल जाऊं? गिद्दा पाने के लिए आई हूं मैं, पाके जाऊंगी. यहाँ पर गिद्दा पाने मैं आई हूँ. तू गिद्दा नहीं, गद्दा पा. और गद्दा क्यों पाएगी तू? तू तो गद्दा खा ले. देखिए नानी, दूध थैली में पड़ा है इसका ये मतलब नहीं है कि उसे खोलना नहीं आता. अच्छा. निम्बो निचोड़ के तेरा सारा का सारा दूध फाड़ देना है मैंने. गिद्दा तो मैं ही गाऊंगी. हेलो हॉलीवुड, हेलो बॉलीवुड, एंड यू नॉट गुड. प्रियंका ये टीचर है विद्यावती, और खास बात ये है कि बच्चों से ज्यादा ये मुर्गा बनती हैं. वैसे आप बता सकती हैं कि अपने सर पे क्या उगा के आई हैं आप? देखिए दरअसल मेरे नाना जी कहते थे कि इंसान को मिट्टी से जुड़ के रहना चाहिए, तो कल आधे घंटे तक मैं मिट्टी से जुड़ी रही ये उगाया. वैसे इसके फायदे बहुत है, पता है आपको? इसको दिखाकर सिग्नल पर येलो दिखाकर मैं कभी भी निकल जाती हूँ. अगर आपको पंजाबी मूवी के लिए कभी से सरसों के खेत की जरूरत पड़े तो आई एम फ्री. वाह, ये देखो सरसों का खेत जी. खेत में काम करने के लिए बैल, और बैल को बांधने के लिए खूंटा. सारा बैल हो गया तुम लोगों का. चलो निकलो अभी फटाफट. क्यों निकले?
गीता पाने के लिए आया है, पाके जाएंगे। गीता पाने मैं आई हूँ। गीता पाने मैं आई हूँ, गीता मैं पाऊंगी। मैं पाऊंगी गीता। सुनो तुम लोग मुद्दे की बात पे आओ, क्या कर रहे हो? मुद्दे की बात पे क्यों आए, हम तो गिद्दे की बात पे आएंगे। हाँ तो गिद्दा ही तो मुद्दा है ना। देखिए मुद्दा नहीं गिद्दा है। वही तो मुद्दे की। नहीं नहीं नहीं, लेकिन गिद्दा अलग है मुद्दा अलग है। देखिए गिद्दा हम कर सकते हैं, मुद्दा हम कर सकते हैं। मैंने ना तेरे मुद्दे पे ना गुद्दा मारना है, फट करके फटेगी। फिर एक बार प्रियंका, रंजीत और सिमी के लिए जोरदार तालियां। प्रियंका के मम्मी मधु जी, मधु मैम आप भी प्लीज, हनी प्लीज कम ऑन स्टेज। करण सिद्धार्थ प्लीज कम। प्रियंका एक सेल्फी। थैंक यू। और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहिए एलिजा कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।